द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज, तो यू का वैल्यू दिया है 25 मिली जूल, मतलब 25 × 10⁻³ जूल। व्हेन द करंट इन द कंडक्टर इज 60 mA, मतलब 60 × 3 A, द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस इज, तो देखो यू का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वेयर। तो यू अगर हमें यल निकालना है तो ये क्या आएगा, 2U/I² तो 2 × U कितना दिया है, 25 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय आई, आई कितना है 60, तो ये 6 × 10⁻²² आएगा। ऊपर क्या होगा देखो, ये 50 × 10⁻³, नीचे क्या है 36 × 10⁻⁴, तो ये 5 / 36 × 10⁻² आ जाएगा, मतलब 500 / 36 होगा। इसको ही हम लोग 250/18 लिख सकते हैं, इसको ही 125/9 लिख सकते हैं। 125/9 मतलब देखो 10 से तो ज़्यादा ही आने वाला है, 9 × 10 = 90, मतलब 13 13 ऑप्शन देखो 13 के आसपास आएगा, ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट वन।